टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने काव्यांजलि, कभी सौतन कभी सहेली, ये है मोहब्बतें और नागिन जैसे सुपरहिट शोज कर चुकी हैं। एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अंदाज के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में इनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें इन्होंने अपने बेटे और पति दोनों के बारे में खुलकर बात की। खासकर एक्ट्रेस ने बच्चे के बाद पति के साथ उनका कैसा रिश्ता है ये बताया है। 2021 में अनीता हसनंदानी ने एक बेटे को जन्म दिया था जो अब 3 साल का हो गया है। लेकिन एक्ट्रेस से पूछा गया कि शादी के बाद बेबी हुआ और अब बेबी के आने के बाद उनका और पति रोहित रेड्डी का रिश्ता पहले जैसा है या कुछ बदला है, तो इस पर एक्ट्रेस ने खुलकर बात की। एक बातचीत में अनीता हसनंदानी ने कई सवालों के जवाब अच्छे से दिए। इसी दौरान जब अनीता से पूछा गया कि बेबी होने के बाद प्लेजर में कोई बदलाव आते हैं, इस पर अनीता ने जवाब किया कि बदलाव तो आते हैं, लेकिन ये आपको फिर से मिल जाता है। बेबी के बाद अगर आपका पति साथ दे तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। अनीता ने ये भी कहा कि कोई भी बात हो पार्टनर को एक दूसरे से खुलकर बोलना चाहिए। पति अगर ये समझ ले कि पत्नी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक अलग अलग स्थिति से गुजरती है तो आपका वो सफर और आसान हो जाता है। इसके बाद लाइफ पहले जैसी हो जाती है और पति के साथ आपके रोमांटिक पल भी जिंदा रह जाते हैं। इस मामले में अनीता हसनंदानी खुद को लकी बताती हैं। जब अनीता हसनंदानी से पूछा गया कि हेल्दी रिलेशनशिप को रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो अनीता ने जवाब दिया कि आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम टू टाइम संबंध बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हैं, खासकर आपका पति या पत्नी हो, तो आपको उन्हें महसूस कराना चाहिए। इसलिए ये सब कुछ एक अच्छे रिश्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।